सर्वोदय चरखा मंडल ने स्वामी रामतीर्थ की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बालूगंज लता कुंज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में चरखा मंडल से जुड़े शहर के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। सर्वोदय चरखा मंडल ने स्वामी रामतीर्थ की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बालूगंज लता कुंज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सर्वोदय चरखा मंडल से जुड़े शहर के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। चरखा मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर शशि शिरोमणि ने बताया कि हर साल दीपावली के दो दिन बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारा ये कोशिश है कि हम इस परिवार को जोड़े रखें और लोगों को जोड़े रखें, और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये था हर बार कि इसे और लोग आगे जुड़ें और भारत की संस्कृति, भारत की इच्छाओं को समझें, क्योंकि देश इस टाइम बहुत अलग विपत्तियों से गुजर रहा है और नए युवा को अपनी पुरानी सभ्यता को याद करने की ज़रूरत है। और हमारा बस यही उद्देश्य है कि हमारे बराबर के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, उससे जुड़ें और वो समझें कि हमारे पुराने जो मूल हैं उनसे हमें जुड़े रहना चाहिए। उससे हमारा मानसिक हर तरीके से संतुलन बना रहे। तत्वाधान में हम लोग हर साल दिवाली पर स्वामी रामतीर्थ जयंती मनाते हैं, जो हम पिछले 50 साल से करते आए हैं विधिवत। वैसे उससे पहले भी चल रहा था। स्वामी रामतीर्थ का जन्म और देहावसान दोनों ही दिवाली के दिन हुआ था, तो इसको हम समारोह पहले हवन, फिर प्रार्थना और फिर सत्संग, और इसमें काव्य धारा नवाले इसकी बातें सब होती हैं और आस प्रयास भी होता है, और दिवाली का विशेष ध्यान रखते हुए उसकी शुभकामनाएं आपस में बांटते हैं। और हमारा ये समाज को ये दीपावली के दिन कार्यक्रम करते हैं। ये हमारे कार्यक्रम का वार्षिक उत्सव है। हम प्रति साल भर प्रति शुक्रवार को सत्संग करते हैं, इस उद्देश्य से कि समाज में अच्छे संस्कार परिवारों में पैदा हो। इसीलिए यहाँ विद्वान आते हैं और हमारे प्रोग्राम में बच्चे बूढ़े सब समान रूप से भाग लेते हैं और बिना किसी भेदभाव के। कार्यक्रम में वक्तागणों ने स्वामी रामतीर्थ के समाज सेवी और मानवतावादी कार्यों को याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शशि शिरोमणि ने किया। इस दौरान अन्य लोग भी मौजूद थे। अजय बहादुर, सी न्यूज, आगरा।